अली बाबा जी आप सुन रहे हैं? हाँ हेलो जी अली बाबा हेलो। जी, जी आपका स्वागत है। मेरी अच्छा मेरी आवाज आज तक पहुंच रही है सर? अरे जी बिल्कुल साफ पहुंच रही है। आपका नाम अली बाबा है? जी, अच्छा, बताइए। बहुत बहुत देर से सर, बहुत कोशिश करते करते तब आप नंबर दिए हैं। हाँ आप देखिए ना, काफी लोग बात करते हैं ना और लंबी भी हो जाती है, इसके लिए मैं उनको बार बार कहता हूँ और आपको भी कहूंगा कि अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बात करें ना तो सब लोगों को मौका मिलेगा। नहीं, सही है जी साहिल भाई, आपसे बात करने का बहुत दिन से मतलब ख्वाहिश था, अच्छा, ख्वाहिश पूरी हो और गई आज अंत में आपकी? आज पूरी हो गई। जी हाँ बताइए। मैं भी इंडिया से हूँ। अच्छा हाँ यूपी से। ठीक है जी, साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, अरे हम तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं साहिल भाई, लेकिन अब वक्त बहुत कम है, किसी दिन मौका दीजिए तब बताएं। तो आप इस्लाम को तर्क कर चुके हैं क्या? जी, अच्छा, और कितना दिन हुआ? अरे ये हो गया करीब, हम 2010 में छोड़ दिए हैं। अच्छा, 11 साल तकरीबन हो गए। जी, हमारे एवीजी बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अरे साहिल भाई, अल्लाह ने गुमराही से बचा दिया आपको। जी अल्लाह करे जी सारे सारे मोमिनों को गुमराही से हटा करके सच्चे रास्ते पे लेके आए अल्लाह। जी आमीन। अल्लाह ने तो इनको गुमराह कर दिया है। नहीं अल्लाह अल्लाह कहता ने है ना, बचाया अल्लाह साहिल जिसको भाई, गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह ने मोहर लगा दी है इनके दिल पे। हेलो साहिल भाई। जी, आप एक काम करिए अली बाबा जी, आप है जी ना, मेरा ईमेल आईडी आपको पता है? देखिए नहीं, वो नीचे जो ये चल रहा है ना, लाइन एक चल रही है, देखो उसमें ईमेल आईडी मेरा अच्छा दिया है, xmuslimindian@gmail.com। तो आप एक काम करिए, आप मुझे ना एक ईमेल करिए, एक पूरी हाँ स्ट्रीम में आपके साथ रखता हूँ। हमारा अच्छा एक अच्छा सीरीज चलती है इस्लाम से इंसानियत तक, तो हाँ जी तो उसमें आप आइए और अपनी दास्तान बताइए कि आपने क्यों छोड़ा, आप क्या मानते थे पहले। तो अरे सर वही तो हम आपको बताना चाहते हैं, ताकि ये शेयर करिए ताकि लोगों तक बात एक पहुंचे। और काम भी करते हैं ना, एक काम जी, करते फ्राइडे हैं, आज है सैटरडे, आज क्या है, सैटरडे हो गया है, फ्राइडे फ्राइडे, था, हाँ हाँ नहीं फ्राइडे। सैटरडे हो गया ना, 12 बज गया। तो मसूद कभी रखेंगे इनका? संडे को रख दो रात में। संडे 9 बजे करते, चलेगा जी, हो संडे जाएगा 9 बजे आप वक्त दे सकते हो अली बाबा? जी। जी सर, अभी जी ठीक है, तो एक थोड़ा आप, बहुत थोड़ा सा एक बात बता दो कि हाँ आपने एक मैं आज 2 मिनट आपको कैसे। देता हूँ, आप अपनी बात रखो और आप है ना ईमेल जरूर करना, तो हम लोग फिर एक बार बात करके फिर फिक्स कर देंगे। 2 मिनट नहीं, सर 5 मिनट। अच्छा, सर 5 मिनट दे ऐसा देता है, हूँ हमारे मसूद भाई के रिक्वेस्ट पर। जी बोलिए। अच्छा सर ऐसा है, मैं इंग्लिश का जानकार उतना नहीं हूँ, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, हाँ तो ये हमारा लड़का है, कुछ जानता है तो उसी से लगवाए हैं। अच्छा 1 मिनट देना अली बाबा जी, ये हमारे हाँ एवी जी बोलिए। है, इन्होंने 400 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट। और उसके बाद हमारे ह्यूमन क्वालिटी जी है, ये हमारे चैनल के नए मेंबर बने हैं। 1 मिनट इनका अच्छा ये मैं फ्लैश कर देता हूँ। हाँ ये है हमारे ह्यूमन क्वालिटी जी, हमारे चैनल के मेंबर बने ओके, हैं, तीन थैंक्स अ ह्यूमन लॉट ह्यूमन क्वालिटी मेंबर। जी। इसी ओके तरीके ओके से आप इस चैनल को सपोर्ट करिए। हाँ जी, अपना अली बाबा जी बताइए बताइए, माफी चाहता हूँ आपको रोका मैंने। नहीं, सर कोई बात नहीं है सर, बहुत लंबी दास्तान है। हाँ और जी हमारे जैसा मतलब, मैं जब सोचता रहा हाँ कि ये क्या कि हम करते, मैं बहुत पहले बहुत बड़ा ईमान वाला था, पूरा कट्टर बाकायदा कट्टर एकदम मोमिन थे आप? बहुत, यहाँ तक कि 2001 में जो अफगानिस्तान अमेरिका का जो जंग हुआ उसमें हम भाग के जाने वाले थे, जबकि हमारे पास 5 बच्चे थे छोटे छोटे वो भी। अच्छा हाँ अगर संगत मिला होता किसी का मतलब, तो हम चले गए होते, जिहाद में निकल गए होते। हाँ
लेकिन फिर ऐसे तब ये मोबाइल भी हमारे पास नहीं था, तो फिर हम सोचने लगे यार कि इतना बड़ा खुदा है, फिर अपने इस्लाम के लिए फिर हमको लड़वा कटवा मरवा रहा है, ये कैसा खुदा है। फिर जब हम सोचने लगे, फिर कुरान पढ़ने लगे, फिर उसका तर्जुमा तफसीर जब पढ़ने लगे, तो हमारा जो है धीरे धीरे जहन खुलता रहा हाँ आपका? जहन खुलता रहा, लेकिन काफी वक्त लगा। अच्छा जी ठीक मैं है बहुत गरीबी के आलम में जिया हूँ, पांच बच्चों मतलब 5 बच्चे हैं, जी। कमाना खिलाना, और ये फिर इस्लाम ने तो हमारा जिंदगी बेड़ा गर्क कर दिया। जी, नहीं हाँ, तो अगर ऐसा पहले सुन के हमको दुख समझ, होता है कि इसके वजह से लोगों की जिंदगियां भी खराब हो जाती है। मेरा तो खुद खराब हुआ सर, अगर पहले ही हम ऐसा सोच मतलब ऐसा सोच लिए होते तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। जी, नहीं आपकी बात दुरुस्त है एकदम। तो अली बाबा जी, आप है ना, ये संडे जो आप वक्त निकाल लीजिए ठीक है 9 बजे ठीक का है सर, जी, एकदम ठीक हाँ विस्तार में, एकदम डिटेल में आप बताइएगा कि क्या क्या आपके साथ हुआ, क्यों इस्लाम को आपने छोड़ दिया, आप इस्लाम के बारे में क्या समझते हैं, ताकि जो हमारे व्यूअर्स है वो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं अलग अलग लोगों से जानने के लिए कि क्या ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से एक कट्टर मुसलमान भी इस्लाम को छोड़ देता है। सर बहुत जरूरी है। ठीक ठीक है, तो है आपको सर, ईमेल तो आप आईडी, हाँ आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए लेकिन। हाँ एक बार बात कर लीजिए लड़के से, बता दीजिए। हेलो सर, हाँ सर यहाँ पे जो आपका नीचे चल रहा है gmail.com, हाँ वही वाला है, exmuslimindian@gmail.com। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू माय चैनल इंडियन एक्स हाँ मुस्लिम साहिल, यू कैन हाँ कॉन्टेक्ट मी। ठीक है सर, हाँ एक हम आपको इसमें मेल कर देंगे हाँ संडे के मेल कर दिन। दीजिए। हाँ तो ठीक है सर, लेकिन मेल आप अभी कर दीजिएगा यहाँ से जब आप फ्री हो जाएंगे ना, या कल हाँ सुबह सर में आप हम, कर दीजिए। हाँ हाँ सर तुरंत कर दे रहे हैं तो सर हम। जी, शुक्रिया। जी सर, ठीक है अली बाबा ठीक है जी, सर, बहुत अपना ख्याल रखिए, बहुत संडे को बात करते हैं। हम बहुत काफी दिन से मेहनत में हम लगे हैं, हाँ आपसे बात जी करने जी के जी लिए, आप आज एक मेल मौका कर दिए मिला। होते तो हमारी बात हो जाती थी, कोई मुश्किल नहीं, अच्छा दे रहा सर, है दुरुस्त है। सर ऐसा है ना, फिर काम धाम में भी बिजी रहना पड़ता है, फिर तबीयत भी जी कुछ नासाज रहता है, तमाम तरह का दिक्कतें रहती हैं। ठीक जी जी है सही सर, बात है बहुत आपकी। खुशी महसूस हुई, फिर अब संडे को जो है मौका दीजिए, जी 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 जरूर हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। जी, हम भी आपका आपकी बात सुनने का इंतजार करेंगे, और जो हमारे व्यूअर्स है जो हजारों की तादाद में लोग देखते हैं वो भी आपकी दास्तान को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। जी सर, ठीक है ठीक सर, है जी, शुक्रिया। ठीक है शुक्रिया, गुड नाइट। मोहन कालसी जी, इन्होंने 100 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट मोहन जी। एवी जी, आप कुछ बोल रहे थे? जी अरे यही दिया जी हैं, तब से हमको मैसेज कर रहे हैं तो वही मैं इनको बता रहा हूँ। यही बोल रहा हूँ कि वो जो बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें जस्टिफिकेशन है ही नहीं कोई, नहीं लेट्स है, नहीं लेविन है। में कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसका क्वेश्चन, इसका आंसर बड़ा डिस्क्रिप्टिव है, इसका कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं है। और ये नहीं कह रहे हैं कि कोई उस नहीं, टाइम के लिए था, ये उस टाइम के मैं बोल रहा हूं कि पहले हाँ अपने घर वालों के लिए वो जवाब दे दें हाँ या ना में, फिर उनको जो बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन देना है उसके बाद वो दे सकते हैं, हम मौका देंगे उनको। पहले अपने घर वालों के लिए तो बताएं कि आप क्या पसंद करते हैं अपने घर वालों के लिए। हाँ वही मैंने कहा कि आपको इसके अलावा पता है, वो बार बार ना घुमा रहे थे कि उस टाइम की बात है। अरे वो जो चीज कुरान का हिस्सा है वो इस टाइम की वो हमेशा के कयामत लिए तक का है है वो तो, इस्लाम को। हाँ इसमें थोड़ी ना कोई है। कयामत तक के लिए है। और दूसरा है, वो चीज बताते हैं जिस पे हमको एतराज ही नहीं है, जो हमारा असल एतराज है आप उसको क्लेरिफाई करो, उसको क्लियर करो, जो एतराज नहीं है उसमें वक्त बर्बाद करके मतलब भी नहीं है। ये हमारे जस्ट टाइप जी है, आपका स्वागत है, आवाज आ रही है आपको? हेलो म्यूट पर है वो। हाँ, ओके ओके। हेलो, आपका जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बताइए आपका नाम, और आप मोमिन हैं या प्राउड काफिर हैं? मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर, अच्छा ठीक है वो ठीक है, तो इस्लाम की वजह से हुआ हूँ। अच्छा मैंने तो
अल जजीरा जो आपको चैनल है, मतलब आपको अल जजीरा, हाँ अलजीरा है ना। हाँ, तो उसके ऊपर मैंने कई मोमिनों को बैंड बजा दी। ऐसा होता था, अभी अभी तो मैं वहाँ पे जाता नहीं हूँ, लेकिन बीच में मैं जाता था वहाँ पर। और इतना मैंने, मेरे पास इतना मटेरियल था ना मेरे पास, तो मैं वो उड़ेल देता था अल जजीरा पे। तो वो लोग जितने भी थे ना, पहले जैसा मैं वहाँ पर जाता देखा, अल्लाह अकबर नारे तकबीर चलते थे इनके। तो मैंने सब मेरे मेरे कमेंट्स पास करने चालू कर दिए। तो ये लोगों का जो ना, क्या बोलते हैं उसका, या ईमान ईमान इनका पूरा खारिज हो गया इनका। मैंने अच्छा। जो जितने भी थे ना वर्सेस, उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। जैसे अच्छा। कि अल्लाह कहता है कि वो क्या पिलर पे आसमान है, फिर बाद में अल्लाह अच्छा टटलेगा। एक मिनट। हाँ आपका नाम क्या है बता हाँ, सकते हैं आप? मेरा नाम XYZ ही वो एक्स वाई जेड रखिए। जी। हाँ एक्चुअली हमारे साथ एक है ना मोमिन जुड़ रहे हैं रजा हाँ शेख, तो मैं उनको ले लेता हूँ। आप चाहिए तो 10 सेकंड में अपनी बात बता दीजिए। फिर असल में जो आज का जो ये सीक्वेंस क्या हमने, टॉपिक है क्या, यानी कोई जो, कोई टॉपिक है, कोई टॉपिक है हाँ आज का जो टॉपिक है ना, वो स्लेवरी के बारे में। स्लेवरी? अच्छा, स्लेवरी के बारे में। जी अच्छा जी अच्छा अच्छा हाँ, मैं हाँ उनकी बात सुना मैंने, वो जो बीच में आए थे कि आपने उनको पूछा कि आपके वहाँ पे माँ बहन बेटी को अगर करेंगे तो आपको क्या लगेगा। तो मैं बराबर। वो सुन रहा था मैं, तो मैं बोल रहा हूँ, उनको चाहता हूँ ये कि जैसे कि देखो, अभी मुगलों ने जो आक्रमण किया, उसके बाद में जो मराठाओं ने उनको ये नेस्तनाबूत कर दिया। तो मराठाओं ने जो छत्रपति शिवाजी थे वहाँ, उन्होंने उनके जो जो भी सिपाही थे, उनके सैनिक थे, तो उनको सख्त ताकीद दे के रखी थी, अगर किसी भी औरत को आप छेड़ोगे तो आपको सजाए मौत है, बोलते तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी उनको। अपने तो सैनिकों को कोई बोला भी, था उन्होंने। हाँ, तो किसी भी उनके जो सिपे सलार थे, किसी भी जो मुस्लिम औरत या किसी की बीवी, वो लोग टच भी नहीं करते थे। तो हाँ उनकी अच्छे इतनी इंसान हिदायत, लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ इतनी हिदायत दे रखी थी कि वो टच भी नहीं करते थे। और ये लोग तो आपको मालूम है कि क्या करते हैं। वो तो वही आज चीज भी तो हम देखो, सामने ला अभी रहे हैं। इसमें इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, सीरिया में जितनी भी औरतें उठाई ली गई, सब बाजारों में बेच रहे थे ये। अभी इनके लिए मेरे गंदे, वो तो गंदे अल्फाज आते हैं नहीं इनके लिए, ठीक तो है। औरतों जी को बेच रहे थे लोग। जी ठीक है। XYZ जी आपका शुक्रिया, आप आए हमारे साथ। हमारे एक मुस्लिम भाई भी है, उनसे बात कर लेते हैं, उनका क्या हाँ, कहना है। तो मुझे आप है वही ना वही वही वो। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि देखो, अल्लाह ने क्या कहा था कि आप 10 मोमिन है, वो जैसे कि 2 मोमिन 10 10 पे भारी पड़ेंगे, बराबर है। तो अभी मराठाओं की तो छोटी छोटी सेनाएं थी, बराबर है, और उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा दिया कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। तो इसमें कौन कौन झूठा साबित हुआ? अल्लाह ही साबित हुआ ना। तो इनको ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि छोटी छोटी बराबर। अरे सेनाओं ने बड़े बड़ी सेनाओं को हरा दिया, तो इनके भेजे में वो बात घुसती क्यों नहीं इनके, कि झूठा कौन है फिर? हाँ, किसने झूठ वैसे तो बोला? क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच हर तो पाकिस्तान या फिर इस्लामिक कंट्रीज में ही क्रिकेट की बात नहीं है ये क्रिकेट की बात नहीं है, ये तो है जैसे कि 2 10 पे भारी, ये किसने बोला था? अल्लाह ने बोला था ना कि 2 10 पे भारी। तो ये झूठा कौन साबित हुआ? हाँ, बराबर जैसे कि अपने वो ठीक क्या है। बोलते हैं उसको, बाजीराव थे, बराबर है, यानी उन्होंने आपकी एक बात, एक एक आपकी पॉइंट समझ गए। हम लोग समझ में आ गया है हमको XYZ। आपने अच्छा पॉइंट बताया, और आपने जो शिवाजी महाराज का जो एग्जाम्पल दिया, मैं कहता हूँ कि इंसानियत जिसके अंदर होगी ना, वो कुछ ऐसे ही रूल्स निकालेगा, वो कुछ ऐसे ही हिदायत देगा कि अगर, हाँ वही आप मैं बोल रहा किसी हूँ कि अगर गैर वो औरत चाहते, को। वो सिपे सलार या वो जो सैनिक थे, वो चाहते तो कई गलत काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं हाँ किया, नहीं किया। हम बराबर। खुद और अपनी इन्होंने अपने तो, घर वालों के लिए पसंद नहीं करेंगे ना XYZ। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ कि देखो, इस्लाम इसकी असलियत जो है ना, इसकी असलियत लूटपाट और जो ये जो लूट का माल था ना, ये बांटने में
और औरतों के बांटने में फला फूला हुआ है, आपको मालूम है, इसका वजूद जो है ना इसी पे फैला फूला हुआ है, फिर बाद में ये बड़ा होते गया, और ये जो उनको किसी को निकलने देते नहीं है, बोले तो वन वे ट्रैफिक, बोले तो गैंगस्टर गैंगस्टर रूल, कि एक बार अंदर आ गए तो बाहर नहीं निकल सकते। तो इसके पर ये है, आप लोग है कि जो इंसान बने, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इंसान बने। शुक्रिया। हम लोग कोई कोई भी जो भी कट्टर हिंदू है, कभी चाहे कट्टर हो, वो बोलेगा ना आपको कि आप लोग हिंदुत्व में आओ, आप इंसान बने, वही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। जी शुक्रिया, ठीक है जी जी, शुक्रिया शुक्रिया आपका। चलिए आप आए, अच्छा लगा, आप वीडियो को देखते रहिए, हम हमारे मोमिन भाई से बात कर लेते हैं। ओके थैंक यू जी। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही, जी आ रही। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ जी, बताइए। मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिन से सुन रहा हूँ जी। हेलो, वैसे दो हजार छह में एक एक्स मुस्लिम से मुलाकात हुई थी आपकी? जी हाँ, मैं खुद मुसलमान हूँ। हाँ 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 ठीक है। और घर में भी सब मुसलमान है, लेकिन मेरी जो मुलाकात है ना पहली बार, मतलब किसी ऐसे विचारधारा से हुई 2006 में, जिसको मैं एक्चुअल में जानता नहीं था कि ऐसा भी होता है। अच्छा ठीक है। तो तभी मेरी ये, अभी जो आपको जो प्रोग्राम निकला ना कि वुमेन स्लेवरी के बारे में, तभी उस पे मेरी कोई डिबेट हो गई, और तभी मैं इस्लाम के अंदर था। तो आज की तारीख में मैं, मतलब बहुत टाइम लगा मुझे सब निकलने में बाहर। ठीक है। तो मैं रोजा नमाज कुछ भी नहीं रखता हूँ। अरे वाह। बात यह है कि यकीन नहीं मानोगे, करीबन 3-4 साल के ऊपर हो गए ना रोजा रखा ना नमाज पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे एकदम फ्रीडम हो गया ऐसा। हेलो जी, जी। हाँ, प्रॉब्लम कि मेरी वाइफ भी मुझे छोड़ के चली गई। अच्छा, ये मुझे आपकी वाइफ छोड़ के चले गए? जी हाँ, मेरी तो वाइफ छोड़ बता दिया था क्या उनको? पता तो चली जाएगा ना, 2-3 साल हम लोग ऐसा साथ में रहे, तो अभी भी चल रहा है, बातचीत चल रही है थोड़ा बहुत। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों का जो चैनल चल रहा है ना, तो उसके उस तक भी वो पहुंचता होगा, क्योंकि अब मैं डायरेक्टली बात तो नहीं करता, लेकिन अब उसको भी थोड़ी बहुत जानकारी होती रहेगी। मेरी वाइफ मुझे कहा करती थी कि नमाज पढ़ा करो, मुझे तो ये एक्चुअल में, मैं इस्लाम में इतना ज्यादा इंटर, जो बोलते ना ज्यादा कट्टरपन, वैसा मैं नहीं था। तो कभी थोड़ा बहुत थोड़ा स्मूथ था मैं, तो मतलब कैसा था कि दो, ये समझ लीजिए कि 1998 में से लेकर 2001 तक है ना, मेरे जेब में साईं बाबा की तस्वीर हुआ करती। अच्छा। तो इसलिए हुआ करती थी क्योंकि उनके जो लाइन था ना, सबका मालिक एक है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्या चलो सबका मालिक एक है, और मैं सब लोग को यही समझता था। लेकिन जब सुन्नी दावत इस्लामी में मेरे को मेरे एक दोस्त ने लेकर गया, तो वहां पर मेरे को मालूम पड़ा कि यार काफिरों को काफिर ही बोलना चाहिए। तो मेरी उन लोगों के साथ डिबेट हो गई, मैंने बोला काफिरों को काफिर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे अब्बा ने मेरे को बताए थे कि पता नहीं कब कौन काफिर कब इस्लाम कबूल कर देवे। सही। तो इसके साथ भी डिबेट हो गई, फिर बाद में मैंने सुन्नी दावत इस्लामी को भी छोड़ दिया। अच्छा। नहीं गया। बाद में 2006 में मैंने आपको जैसा बताया कि मेरी एक एक्स मुस्लिम से मुलाकात हुई, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा भी होता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो गलत है, गलत है। और अभी जो स्लेवरी की बात चल रही थी, तो मेरे दिमाग में बात आई कि जो अभी जो जैसे कि इराक में आईएसआईएस का जो हुआ था, बहुत बड़ी पकड़ हो गई थी। तो आप, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही आ रही, आप बोलिए। तो आईएसआईएस की जो इतनी बड़ी पकड़ हो गई थी, तो यजीदी औरतों को बहुत बड़े पैमाने पर गुलाम बनाया गया था। और ये आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि जहां कहीं भी इस्लाम मजबूत होता है, जहां कहीं भी शरीयत कानून लागू होती है, तो आज भी औरतों को गुलाम बनाया जाता है। और अब भी आज की न्यूज बता दू ना, तो आज की तारीख में तालिबान बहुत मजबूत हो रहा है अफगानिस्तान में। तो वहां पर जो अफगान नेशनल आर्मी है, वहां पर मिलिट्री के तौर पे अफगान नेशनल आर्मी में औरतों को ज्वाइन किया जा रहा है। अच्छा। और औरतें
सामने आ रही है, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है ये, मुझे भी वहीं से जानकारी मिली कि औरतें इसलिए सामने आ रही है क्योंकि जब तालिबान की हुकूमत 20 साल पहले बहुत मजबूत थी, कुछ 4-5 साल तक थी उनकी हुकूमत, तब औरतों को जो तकलीफ हुई है वो वही जानती है, वो हम लोग सोच भी नहीं सकते क्या तकलीफ हुई, ना काम पर जा सकती है, ना बिना किसी मर्द के आदमी के निकल सकती है, ना बिना बुरके के निकल सकती है। तो आज की तारीख में अफगानिस्तान में औरतें जो बाहर आ रही है वो क्यों आ रही है, ये भी एक आपको सवाल रखना चाहिए। अगर कोई बोलता है ना कि अब नहीं होता है, अब तो नहीं होता है, तो ये बात आप बोलिए कि अभी भी होता है। होता है, और पहली बात तो कुरान तो कयामत तक है ना, और कुरान में ये बात मौजूद है, और कुरान में कोई आयत नहीं है जो स्लेवरी को बैन करती है। तो जब कुरान ही कयामत तक की इजाजत दे रहा है तो समझ में नहीं आता कि मोमिन कैसे ये कहते हैं कि ये अभी नहीं है तभी नहीं है, और जब था तभी भी सही था क्या, वो चीज को क्यों नहीं बताते ये लोग। ये बात भी वो टाइम पे, वो टाइम पे जो औरतें थी उनकी कोई इज्जत नहीं थी क्या, ये क्यों ये बात तो कहते कि वो टाइम का, वो टाइम की बात थी, तो क्या वो टाइम में इज्जत की, औरतों की इज्जत इज्जत नहीं थी क्या? बराबर, इज्जत तो हमेशा रहना चाहिए औरतों की। हाँ, तो फिर कैसा कहते हैं ये लोग कि आप आज से क्यों कंपेयर कर रहे हो? अरे हर दौर में औरत की इज्जत इज्जत थी, आप उनको इज्जत, आप उनको इज्जत देते ही नहीं थे, आप उनकी इज्जत समझते ही नहीं थे, इसके लिए उनको बांट रहे थे। अच्छा, और मैं एक बात और ज्वाइन करना चाहता हूँ आज के टॉपिक में। जी हेलो, कि देखिए आज की तारीख पूरी दुनिया में स्लेवरी नहीं है, मैं सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, औरत आदमी दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अभी मैंने इसका जो नीरज अत्री जी का जो, या फिर जोधपुर चैनल आता है एक, उसके ऊपर भी अपने एक आए थे, वहां पर भी इसी पे टॉपिक चल रहा था स्लेवरी के ऊपर। तो बोले 1960 में कुछ ब्राजील एक आखिरी देश था जो स्लेवरी को खत्म किया, यानी कि अमेरिका से चालू हुआ जब इब्राहिम लिंकन ने, हेलो सुन रहे हैं, बोलिए, स्लेवरी पे बैन लगाया कि जहां पर अमेरिका की हुकूमत है वहां वुमेन स्लेवरी नहीं चलेगी, तो इब्राहिम लिंकन का कत्ल कर दिया गया इसी बात के ऊपर कि उन्होंने स्लेवरी को आजाद कर दिया, क्योंकि उनको स्लेवरी जब जब स्लेव मिलते तो बिना पगार दिए आदमी को काम कराते थे ना। बराबर, तो सही बात है, था, और प्रोडक्ट सस्ता पड़ता था। सिर्फ यहाँ मैटर ये नहीं है कि सेक्स का मैटर है, नहीं, ये तो औरतों के साथ है, लेकिन आदमी को भी जब स्लेव बनाया जाता था तो उनके साथ मजदूरी से काम किया जाता था, खेती बाड़ी में, इंडस्ट्री में, तो उन्हें बिना पगार के रखा जाता था, तो बिना पगार के देने की वजह से उनका फायदा मुनाफा ज्यादा होता था। अब अमेरिका में जब अब्राहम लिंकन आए तो उन्होंने सीधा, सबसे पहले अमेरिका ने यह फैसला करा अब्राहम लिंकन जी ने कि स्लेवरी नहीं चलेगी अमेरिका में, और धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये चला कि भाई स्लेवरी नहीं चलेगी। बहुत मुश्किल से सऊदी के, मतलब सऊदी के ऊपर बहुत दबाव डाला गया, तो सऊदी मानने को तैयार नहीं था। कैसे मानेगा, कुरान के अगेंस्ट में कैसे जाएगा? हाँ वही बात है, तो सऊदी मानने को तैयार नहीं था, तो पूरी दुनिया की जितने भी देश है सब मिलके दबाव बनाए कि भाई आज स्लेवरी कोई और है, कल तुम भी तो हो सकते हो। सही बात है, क्योंकि सऊदी ने इस बात को माना कि हाँ स्लेवरी बैन करेंगे, तब जाके उन लोगों ने स्लेवरी बैन करी। लेकिन कहा जाता है आज भी कहीं ना कहीं पे स्लेवरी, मतलब ऐसा है कि मिनिमम से मिनिमम पगार में जो होते हैं उनको रखा जाता है। एक मिनट साहिल भाई, मैं वो एक ये दिखाता हूँ कि अभी भी ये चल रहा है। मोरक्को बोल के कंट्री है जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। मीनवाइल मैं बोलना चाहूंगा, हाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है, अभी नहीं आया। मीनवाइल मैं बोलना चाहूंगा कि कोई हमारा अगर मोमिन भाई है और वो बात करना चाहता है तो लिंक फिर से शेयर कर दीजिए इंडियन एग्नोस्टिक जी, अगर कोई आना चाहता है तो वो मोमिन हमारा कोई भाई है तो ज्वाइन कर ले। जिया भाई और मुबारक भाई दोनों हैं, लेकिन चूंकि जिया भाई को हमने बहुत मौका दिया अपनी बात रखने का, इसके लिए मैं उनको फिर से नहीं लेना चाहूँगा, और मुबारक भाई को भी मैंने बहुत मौका दिया बात करने का, तो मुबारक भाई से भी फिर से, ऑलरेडी मैंने दो बार आपको मौका दिया है मुबारक भाई, तो आपको और मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि वक्त के हिसाब से आपको पूरा मौका दिया गया है।
कोई हमारा और मोमिन भाई है जो इस बारे में बात करना चाहता है तो स्ट्रीम को ज्वाइन करिए। क्या वो शेयर नहीं किया आपने मसूद? मैंने किया था ना शेयर। अच्छा हो गया वो, दिखा दिया आपने? हाँ ठीक है ठीक है। तो नहीं 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 कोई कोई बात नहीं है। हमारे रजा जी आप एक हम चाहे तो एक काम कर सकते हैं। एक तो हमारे जो आपसे पहले जो भाई आए थे अली बाबा, उनका हम संडे को स्ट्रीम रखने वाले हैं इस्लाम से इंसानियत तक। ओके अगर आप थोड़ा वक्त हमको अगर देना चाहेंगे तो हम ये इसी का इस्लाम से इंसानियत सीरीज में आपका अली बाबा के बाद जो है आपके साथ एक स्ट्रीम कर लेंगे। आप उसमें यानी डिटेल में बताइएगा कि आपका यानी परवरिश कैसे हुई थी और इस्लाम क्यों छोड़ा आपने, क्या डाउट आए, ये सब आप डिटेल में बताइएगा तो लोग भी इंटरेस्टिंग, हाँ लोग भी सुनना चाहेंगे। आप बराबर आपकी क्या, मैंने क्यों छोड़ा एक्चुअली भी एक दिन की कहानी नहीं है, बहुत हाँ, लंबा इसके लिए हम वो पूरा एक दो घंटे की का वक्त आपको देंगे, आप उसमें पूरी चीज बता सकते हो। और एक बात मैं जानकारी आपको दे दूं, हेलो बचपन में, हेलो हाँ बचपन में मेरा मम्मी ने मेरे को बहुत कोशिश करे कुरान पढ़ाने की, हाँ लेकिन मैं भाग जाता था। अच्छा इंटरेस्ट नहीं आता था आपको? हेलो हाँ मैं ऐसा भागता था क्योंकि मेरे को मार खाने से बहुत डर लगता था। तो मेरी जो ट्यूशन टीचर थी ना एक्चुअल में थोड़ी मेरी जो एक्चुअल में जब बचपन में मैं स्कूल में पढ़ता था जब नर्सरी में ABCD की बात कर रहा हूँ तभी मेरी ट्यूशन टीचर ने मुझे बहुत बुरी तरह से मार दी थी। तो उसके बाद मैं बहुत बीमार पड़ गया था। तो बाद में मेरे को मेरे डैडी ने मेरे को क्या करे मेरे अब्बा ने कि थोड़ा बहुत मतलब स्कूल की तालीम के अलावा थोड़ा दीनी इस्लामी तालीम की तरफ भी मोड़े तो वहां पर मेरे को मारते तो मैं भाग जाता था। तो मेरे अब्बा अम्मी ने फोर्स नहीं करे इस्लाम की तालीम देने के लिए, लेकिन मेरे घर में बाकी जो मेरे बड़े भाई बहन है छोटे भाई बहन है वो पूरी तरह से कुरान को इस्लाम को आज भी फॉलो करते। वो लोग को मालूम है कि मैं ये सब चीजों को छोड़ चुका हूँ। हेलो हाँ 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 बोलिए ना। पता है और वो लोग भी मेरे पे शुरुआत में दबाव डालते थे अब नहीं डालते क्योंकि जब धीरे धीरे जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना वहां पर मैं ऐसा नहीं हूँ कि अकेला हूँ। अब मेरी बहन की एक सहेली है उनके घर में भी 5 वक्त के नमाजी लोग हैं लेकिन बाद में आगे चल के उसने इस्लाम छोड़ दी एक लेडीज ने और किसी हिंदू लड़के से शादी कर दी। ठीक है और उसके बाद खुलेआम तिलक विलक लगा के घूमने लगी यानी कुछ कैसे ऐसे सामने आए ना तो मेरे घर वाले ने मेरे को फोर्स करना छोड़ दिया। अच्छा तो रजा भाई हाँ रजा भाई मैं